फ्रेंड्स, टुडे अगेन इंपॉर्टेंट सेशन और हम अच्छे से जानते हैं कि हम 21 डेज प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज हमारा 13th डे है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको 12 वर्ब्स अच्छी लगी है, वो स्पेशल वर्ब्स जो हमने आपको सिखाने की कोशिश की और उनके साथ में जो वोकैबुलरी, जो नए नए फ्रेजेस, जो नए नए इडियम्स हमने आपको सिखाए, आपको सब अच्छे लगे हैं। अब स्टूडेंट्स, आज जो हमारा डे है ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इसमें भी हम कुछ सीखने जा रहे हैं। द वर्ड इज रखना। स्टूडेंट्स, इसके लिए हम वर्ड रखते हैं कीप, राइट, कीप, कैप्ट, कैप्ट, आप जानते हैं अच्छे से। तो देखते हैं क्या नयापन हम इसमें डालें ताकि हम नई नई बातें भी सीख सकते हैं। तो द फर्स्ट वर्ड याद रखना, रिया, व्हाट वी मेक फॉर इट? क्या होता है, right? The word is prestige. To save one's prestige, आपकी रेपो बनाए रखना, to maintain, लाज रखना। चलिए next is नजर रखना। So to keep an eye on. Simple word, to keep an eye on. Keep an eye on. Students, मैं आपको eye से related बहुत से word करा चुका हूँ। One-eyed man मैंने आपको बताया था, right? जो एक आंख से देखता है। पर हमने आपको एक और सिखाया था कि एक आंख से देखना, उसका मीनिंग था पार्शियलिटी ना करने वाला, टू बी इम्पार्शियल, राइट। चलिए गाड़ी रखना, टू मेंटेन अ कार। बिल्कुल, ये वर्ड हम ऑलरेडी यूज करते हैं। आर यू मेंशनिंग कार? यस, वी हैव अ कार, वी आर मेंशनिंग अ कार, राइट। बात रखना, सो टू कीप प्रॉमिस। दैट्स वेरी नाइस, टू कीप प्रॉमिस। आज आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि आज के जो हमारे वर्ड्स हैं इजी चलते जा रहे हैं, हम इजीली सबको लिख कर दे रहे हैं आपको और आप इजीली इनको समझ भी रहे हैं। द रीजन इज ओनली वन, वर्ड्स इतने अच्छे हैं, क्या करें, आपके लिए जरूरी है। हिसाब रखना, टू कीप अकाउंट्स। ओहो, दैट्स इजी, आई कैन से, आई डोंट थिंक इट्स नीड टू बी रिक्वायर्ड टू कीप अकाउंट्स, हिसाब रखना, राइट। नेक्स्ट वर्ड, कुछ नयापन देखते हैं, रखने को और क्या कह सकते हैं। पढ़ाने वाला रखना, आपको बता दूं TUITIUN, तो स्टूडेंट्स आप कई बार ध्यान रखिएगा, कई बार कुछ भी सामने वाला आपसे पूछ सकता है, उस दौरान आपको मालूम होना चाहिए किसकी स्पेलिंग क्या है। अगर मैं आपको बताऊं 40 की स्पेलिंग क्या, बता सकते हैं आप? बोलेंगे सर FOURTY, नहीं, FORTY, ध्यान रखिएगा। अगर कोई बच्चा, अगर मैं बोलूं कि 12th की स्पेलिंग जानते हो, वो ज्यादातर क्या है, एफ नहीं लगाएगा। तो आपको बता दूं 12th की स्पेलिंग में एफ आता है, TWELFTH, ध्यान रखिएगा। चलिए कम अप, आजकल पढ़ाई में क्या रखा है? वैसे आपको बता दें लाइन हमें सूट नहीं कर रही है। हमने देखा है एजुकेशन से ही व्यक्ति बहुत अच्छी अर्निंग कर सकता है, एजुकेशन से अपनी लाइवलीहुड कमा सकता है। एजुकेशन ही एक पार्ट है जिसमें आदमी बिना पैसे लगाए बहुत पैसा कमा सकता है, ये बात आप अपने दिमाग में गहन में डाल लीजिए। फिर भी ये लाइन आई है तो डेफिनेटली हम चाहेंगे कि रिया इसकी इंग्लिश हमें करके दें। आजकल पढ़ाई में क्या रखा है रिया? ओहो, doesn't pay these days, पर मैं आपको एक बात कहूंगा कि आप इंटरव्यू में हमेशा बोलिए एजुकेशन ऑलवेज पेस। कई बार आपको इंटरव्यूअर बोल देगा यार आप तो ओवर क्वालिफाइड हो, यार आपने तो ये भी कर रखा है, तो आप कहना सर एजुकेशन ऑलवेज पेस, सर मुझे उम्मीद है कि मैंने अगर एजुकेशन ज्यादा किए तो मेरे को इस बात का नॉलेज ज्यादा होगा और मैं आपको ज्यादा आउटपुट दूंगा, और सर ये मेरा कार्य भी है कि मैं अपनी कंपनी को ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट दूं। वो पॉसिबिलिटी कब होगी सर? जब मैं ज्यादा एजुकेटेड, तो मेरी एजुकेशन का मुझे लगता है सर बेनिफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा, क्योंकि एजुकेशन always pays. So, मैं इस लाइन से against हूँ स्टूडेंट। Excuse me sir. Yes, please. So, I want to talk to my viewers. You can. So, friends, as you know that first is 70 way of spoken English, second is universal interview and group discussion, and third is medical representative. Students, हम अपनी books को आपको promote करते हैं, हम आपको 7 days का invite करते हैं, हम आपको telephonically courses भी देते हैं। अगर आप नहीं आ सकते तो हम telephonically भी आपको तैयारी कराते हैं, आपको 7 days का invite करते हैं, आपने हमारे बहुत से videos भी देखे होंगे। इसके साथ साथ हम आपको एक खुशखबरी दे दें, now we are faculty of an academy. This word an academy, we are a faculty and authorized educator over there. आपको अगर इसमें इसके through भी हमसे पढ़ना है तो आपको एक अच्छी न्यूज दे देते हैं, हम वहां पर authorized faculty है, इस समय educator है। अगर आप वो भी हमारी क्लासेस अटेंड करके इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पर आपको इसका लिंक मिलेगा और आप इजीली उस लिंक को क्लिक करके हमसे और स्टडी कर सकते हैं। चलिए कम ऑन द पॉइंट, कातिल पर कड़ी नजर, निगरानी रखी जा रही है।
क्या मिला हमें? A strict means what? बहुत कड़ी निगरानी, right? एक कड़ी निगरानी रखी जा रही है, एक strict watch रखी जा रही है on the murderer. देखो स्टूडेंट, यहां मैं आपको दो वर्ड सिखाना चाहूंगा. एक वर्ड आपने मर्डर वर्ड सुना होगा, एक आपने मर्डर पहले लिख देते हैं. अब आपने एक वर्ड और सुना होगा, assassination. Assassination. देखिए ये जो वर्ड है, अगर आपको दिख रहा है तो दोनों का मतलब ही मारना होता है, मगर जो मर्डर है और assassination है, अगर मैं आपसे बोलूं कि इनमें फर्क क्या है, तो आप कहेंगे सर दोनों में मार रहे हैं तो फिर क्या फर्क होगा. तो आपको बता दें कि एक ऑर्डिनरी आदमी का जब किलिंग होते आते तो उसे बोलते हैं मर्डर, पर एक जब वेल रेप्यूटेड बड़े आदमी को जब मारा जाता है तो उसे बोलते हैं असैसिनेशन. यानी राजीव गांधी के लिए आपने मर्डर नहीं लगाना, इंदिरा गांधी के लिए आपने कभी मर्डर नहीं लगाना. अगर आप न्यूज़पेपर भी खोल के उठाएंगे उस टाइम का, आपको मिलेगा असैसिनेशन वर्ड. तो आप समझ चुके हैं देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मर्डर एंड असैसिनेशन, और इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है कि उसके ऊपर कड़ी निगरानी रखी जा रही है. तो स्ट्रिक्ट वॉच, ये वर्ड याद रखिएगा, स्ट्रिक्ट वॉच. चलिए, वो तुमने मेरी नाक में दम कर रखा है, व्हाट डू यू मीन? You are a nuisance to me. N-U-I-S-A-N-C-E. चलिए आपकी हेल्प के लिए लिख देते हैं आपको वर्ड N-U-I-S-A-N-C-E. You are a nuisance to me. कई बार हम आपको ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक देते हैं और हम अपनी क्लास में तो जरूर देते हैं, हम बोलते हैं मोबाइल फोन, तो मोबाइल फोन भी बोला जाता है इसे. मोबाइल फोन इज अ nuisance. Agree or not? तो देखिए यहां पर हमने उस व्यक्ति के लिए बोला है कि तुमने मेरी नाक में दम कर रखा है, बहुत तंग कर रखा है. यू आर ए न्यूसेंस टू मी, यार न्यूसेंस टू मी. यस, तो यू कैन यूज दिस वर्ड इन योर वोकैबुलरी और आप नई नई बातें सीखेंगे. स्टूडेंट्स, अभी तक हम लास्ट लाइन में जाएं उससे पहले आपको बता दें कि इन वर्ड्स के थ्रू हमने जो नए वर्ड सीखे हैं, ये वर्ड्स आपके जरूर फ्रूटफुल रहेंगे और आपको हेल्प जरूर कर रहे होंगे. और ये जो आज का चैप्टर है, ये भी आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है. हम चलते हैं लास्ट बट नॉट द लिस्ट. वह हर सोमवार उपवास रखता है. Fast on every Monday. That's very nice. He keeps fast. हम जानते हैं students की उपवास रखने को fast कहते हैं. F-A-S-T. He keeps fast. Keeps. K-W-P-S. Reason he है. I होता तो I keep होता. ये हम जानते हैं, right? S-E-S लगता है, बड़ा common बात है. ता है ती है. और obvious है यहाँ पर रखता है, right? Simple present indefinite बोलते हैं. That's very easy. हर सोमवार, on every, right? On every Monday, on Monday, on every Monday. हर है इसलिए on every Monday. तो he keep fast on every Monday. Students, ये जितनी भी lines हमने आपसे discuss करी है, hope आपको रखना में keep के अलावा बहुत सी ऐसी verbs मिली होगी जिन्हें हमें नाम दिया है, special verbs. हमारा जो topic चल रहा है 21 days practice, I hope आज का 13th day आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपने नई नई बातें सीखी होगी, and we hope that आप 21 days के तक हमारे साथ यूं ही enjoy करते रहेंगे. Thank you very much.